दुनिया में कई ऐसी मिस्ट्री हैं जिनकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ऐसा रहस्य है जो साइंस के लिए अभी भी चुनौती बना हुआ है। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्य के बारे में बताएंगे। दरअसल इटली में एक ऐसा प्राचीन शहर है जहां सालों पहले इंसान से लेकर जानवर सभी पत्थर बन गए थे। इटली के इस शहर का नाम पोम्पे है। 79 एडी के पहले पोम्पे एक आम शहर जैसा ही दिखता था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा शहर तबाह हो गया। यहाँ रहने वाले इंसान से लेकर जानवर तक हर कोई पत्थर बन गया। पत्थर नुमा उनके शरीर आज भी उसी शहर से मिलते हैं। इनके शव को देखने के बाद लगता है कि ये किसी पत्थर की मूर्ति है, लेकिन असल बात तो कुछ और है। इस शहर में कुछ साल पहले आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को एक घोड़े के शव के साथ एक इंसान का शव भी मिला था। दोनों शव पत्थर की मूर्ति जैसे थे। ये देखने के बाद उनके होश उड़ गए। जब पूरे मामले की जांच की गई तो पता चला ये सब ज्वालामुखी के फटने की वजह से हुआ था। पोम्पे के करीब नेपल्स की खाड़ी में माउंट वेसुवियस थी जो कि अचानक फट गई। बता दें कि इस हादसे से पहले शहर में करीब 11,000 से 15,000 लोग रहते होंगे, लेकिन इस घटना के बाद ये शहर वीरान हो गया। ज्वालामुखी के फटने से शहर पर लावा बरसने लगा। सभी लोगों की जान चली गई। कुछ दिनों बाद जब सब सामान्य हुआ तो सभी के शव ठोस बन गए थे। इन शवों में पत्थर, धातु सब कुछ मिल चुका था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।